न तीरों से न तलवारों से मुल्क को खतरा है तो बस केवल गद्दारों से। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों की सम्मान देने के लिए ये नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा देश की वैज्ञानिक भारी खतरे में आज है? आप सब ने अभी हाल ही में वो खबर पढ़ी होगी जिसमें विदेश मंत्रालय के एक ड्राइवर को अरेस्ट किया गया जो कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का देश से जुड़ी जानकारी लीक कर रहा था। ऐसा नहीं है कि कोई ये पहली घटना या आखिर घटना है, लेकिन यह इस बात का सबूत है कि हमारा मुल्क के खिलाफ विदेशी ताकतों की साजिश लगातार जारी है और उनके निशाने पर है भारत की वैज्ञानिक, जो कि अपने दिमाग से भारत को मजबूती प्रदान करते हैं। इसलिए उन्हें राजनीतिक और सामाजिक दोनों की तरफ से निशाना बनाया जाता है। विदेशी साजिश का शिकार बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे भारत के परमाणु कार्यक्रम के संस्थापक होमी जहांगीर भाभा, जिनकी एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। वैसे तो विमान दुर्घटना एक हादसा था, लेकिन संदेह इसलिए पैदा होता है क्योंकि अपनी मौत से ठीक पहले डॉक्टर भाभा ने बयान दिया था कि भारत बेहद कम समय में परमाणु शक्ति बना सकता है, जिसके बाद माउंट ब्लैक के पास स्विस अल्पस के पास उनका विमान दुर्घटना का शिकार बन गया है और जिसका कोई मलबा तक नहीं मिली। डॉक्टर भाभा के अचानक देहांत से भारत के परमाणु कार्यक्रम को बहुत बड़ी झटका तो लगा ही था, लेकिन जल्दी हम संभल गए थे क्योंकि भारत में वैज्ञानिक प्रतिभाओं की कभी भी कमी नहीं है और यही हमारी दुश्मनों की एक बहुत बड़ी चिंता का कारण भी है। होमी जहांगीर भाभा के बाद हम बात करेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई की। आज भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान जहां तक पहुंचा है उसके पीछे विक्रम साराभाई का एक बहुत बड़ी योगदान है। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है, लेकिन उनकी मौत आज भी रहस्यजनक है। तमाम तरह की जांच के बाद भी ये नहीं पता चल पाया कि विक्रम साराभाई का मौत कैसे हुई। विक्रम साराभाई मात्र 52 साल की उम्र में केरल के रिचार्ट में मृत पाए गए थे, जबकि उसके ठीक पहले वो पूरी तरह से सामान्य थे और कई कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे। उनके बेटी मल्लिका साराभाई ने बताया कि पिता को मेडिकल रिपोर्ट हमेशा सामान्य रहती थी और उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी तक भी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर साराभाई के मौत के बाद भी भारत के प्रतिभावान वैज्ञानिकों की रहस्यमय मौत का सिलसिला थमा ही नहीं। इसमें से कई तो लापता ही हो गए हैं। भारत की वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के रहस्यमय परिस्थितियों में अचानक लापता होने का जांच एजेंसियों को सामान्य कहीं सवाल खड़ा कर दिए। कुछ लोगों का दावा है
कि इन सब के पीछे एक बड़ी साजिश है। कुछ ने कहा कि इन घटनाओं के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA है, कुछ ने पाकिस्तान की ISI की ओर इशारा किया, क्योंकि विदेशी ताकतों ने नहीं चाहते हैं कि भारत अंतरिक्ष और परमाणु के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करे। साल 2009 से 2013 के बीच परमाणु ऊर्जा विभाग में कम से कम 10 कर्मचारियों ने हत्याओं और रहस्यमयी आग में अपनी जान गंवाई। इस सूची में कुमार राव, रबी मुले, मोहम्मद मुस्तफा, टाइटस पाल और कई अन्य नाम शामिल हैं। यहां मैं कुछ प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्य मौत की घटनाओं के जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें एक है लोकनाथ महालिंगम। लोकनाथ महालिंगम की मौत की खबर 13 जून 2009 को आई। वो एक अनाम से परमाणु वैज्ञानिक थे। वो कर्नाटक के केगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 8 साल से काम कर, जो एक प्रमुख सैन्य अंगे प्रोजेक्ट सीबर्ट के करीब थे। केगा के 8 परमाणु रिएक्टर में से 4 को आधिकारिक तौर पर रणनीति के रूप में बेहद अहम माना जाता है। यही वजह है कि इन्हें अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु सहयोग समझौते और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के दायरे से बाहर रखा गया। केगा के पास ही भारत का प्रमुख नौसैनिक अड्डा INS कदम्बा का भी, वहां काम करने वाले लोकनाथ महालिंगम सुबह की सैर करने गए थे, लेकिन रहस्यमय तरीके से वो गायब हो गए। 5 दिन बाद उनकी सड़ा गला सब मिला था। फिर आया अगला नाम MIR का, जो कि 23 फरवरी 2010 को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अपने घर में मृत पाए गए थे। उनकी मौत अब तक एक रहस्यमय रहा है, क्योंकि पुलिस की जांच किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उनके शरीर या मृत स्थल पर किसी तरह के फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं थे। अब हम बात करेंगे उमंग सिंह और पार्थ प्रतिम बाघ की, जिनकी मौत 30 दिसंबर 2009 को हुई। ये दोनों युवा वैज्ञानिक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC के विकिरण और फोटोकेमिस्ट्री विभाग में मॉड्यूलर लैब में काम करते थे। लेकिन इसी दौरान उन दोनों के आग में जलकर मौत हो गई। जबकि रिपोर्ट कहती है कि प्रयोगशाला में ज्वलनशील कुछ भी नहीं था। आज तक न तो उमंग के परिवार को ना ही पार्थ के परिवार को आग लगने का सही कारण पता चला है। कुछ इसी तरह से KK जोशी अभी शिवम की भी रहस्यमय मौत हुई। यह दोनों स्वदेशी परमाणु संचालित पनडुब्बी INS अरिहंत के इंजीनियर थे। इन दोनों के शव अक्टूबर 2013 में विशाखापट्टनम के रेलवे पटरी पर मिले। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन दोनों सब पर कोई संदिग्ध निशान नहीं मिला है, लेकिन जांच रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों को ट्रेन से कुचला नहीं गया था। उनके परिवारों ने आरोप लगाया था कि उनकी मौत को आत्महत्या का रूप देने के लिए हत्या के बाद उन्हें रेलवे पटरियों पर रख दिया गया था। यह भी मामला अब तक अनसुलझा है। फोरेंसिक वैज्ञानिकों का कहना है
कि परमाणु कार्यक्रम में शामिल वैज्ञानिक और इंजीनियर्स की ऐसे सभी रहस्यमय मौत में उंगलियां के निशान नहीं मिलते हैं, ना ही किसी तरह का दूसरा सुराग भी मिलता है, जो कि यह बताता है कि साजिश रचने वाले अपने काम में पूरी तरह से माहिर है। इन हत्याओं के पीछे उच्च स्तर की प्रोफेशनलिज्म का संकेत मिलता है, जैसा कि ISI, CIA और मौसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसियों की हत्याओं में दिखाई देता है। आप ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी वैज्ञानिक और इंजीनियर का हश्र याद कर लीजिए। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है, बल्कि यह है कि हमारी अपनी खुफिया एजेंसियों को असावधानी से हमारे वैज्ञानिकों की कीमती जान जोखिम में पड़ गई है। ये वैज्ञानिक भारत की परमाणु परियोजनाओं की विकास के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो ऊर्जा हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हो। लेकिन इन महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की सुरक्षा का कोई विशेष इंतजाम नहीं होते हैं। हमारा देश में नेताओं और दूसरे महत्वपूर्ण लोगों के लिए सुरक्षा के इतना उसका इंतजाम होती है, तो फिर क्यों इन वैज्ञानिकों को इनके हाल पर मरने पर छोड़ दिया जाता है? भारतीय वैज्ञानिकों की सभी रहस्य पर मौतें आज चिंता का विषय है, क्योंकि ये सभी मौतें एक सामान्य सूत्र से जुड़ी हुई, वो है परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष कार्यक्रम, जो कि हमारा देश को दुनिया के शीर्ष स्थान पर पहुंचाने की ताकत रखती है। तो इस ताकत को संभालने की जिम्मेदारी की अपने कंधों पर उठाने वाले वैज्ञानिकों की जान इतनी सस्ती क्यों है? यह सवाल हमारा देश की कर्णधारों से पूछा जाना चाहिए। आज उदय इंडिया प्रतिदिन राष्ट्र हित से जुड़े ऐसी तरह से सवाल उठा रहा है, जिसके बारे में जानने के लिए आप हमारा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। प्रिय मित्रों, आप सबको मालूम है कल हमने एक प्राइवेट कंपनी पेप्सी के बारे में बताया था, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने हम रखा था। आज क्योंकि भारतीयता का संघनाथ जो सीरीज हम चला रहे हैं उदय इंडिया की तरफ से, जो कि भारत से जुड़े कई बातें, कई ऐसे इन्फॉर्मेशन और कई ऐसे घटनाएं, जैसे आज हमने भारत में कैसे हमारा वैज्ञानिकों की अचानक रहस्यमय मृत्यु हुआ था, इसके बारे में बताया। भारतीयता का संकनाद में इसी श्रृंखला में कई विषय हम आगे रखने वाले हैं। आज के लिए इतना। भारत माता की जय, जय हिंद।